हमारा भविष्य। मुझे बॉलिंग करने दो ना। तुझे तुझे बॉलिंग आती भी है? याद है तुम्हें मैथ्स मैंने सिखाया था, अब तुम मुझे क्रिकेट सिखाओ। लेकिन अभी नहीं। सिखाओ सिखाओ अभी सिखाओ। अरे अरे देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को नीचे गिरा दिया। बेटी प्रिया, अरे अरे क्या हो गया? विकी धक्का क्यों दिया? देखिए ना, इसे बॉलिंग नहीं आती और कहती है ये बॉलिंग करेगी। तो करने दो ना इसे बॉलिंग, इस तरह तो हम हार जाएंगे। विकी जीतने वाले तुम्हारे दोस्त ही है ना। लेकिन मुझे जीतना है। जीतना ही सब कुछ नहीं है, खेल का मजा लेना भी जरूरी है। दोस्तों के साथ खेलने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? तो उनके साथ थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? ये थोड़ी ना कोई बात हुई, हर बार आप मुझे एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। अगर एडजस्ट करूंगा तो जीतूंगा कैसे? आप, तुमसे एक बात करनी है। मान लो ये हथेली तुम्हारी जिंदगी है और यह है तुम्हारे दोस्त, क्लासमेट्स और रिश्तेदार। जितना तुम लाइफ में एडजस्ट करोगे उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन तुम अगर उनको अपना घमंड दिखाओगे और अपनी सोच उन पर लादोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हमेशा खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ा खुश रहोगे, लेकिन अगर तुम दूसरों के बारे में भी सोचोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। अब जाओ। डैडी की यही प्रॉब्लम है, हमेशा एडजस्टमेंट का पार्ट पढ़ाते रहते हैं। एडजस्ट करूंगा तो हारता रहूंगा, चाहे वो मुझे जितना भी समझाए मैं लूजर नहीं बनूंगा। खुद से एक वादा करता हूँ, आज के बाद नो एडजस्टमेंट। जो अच्छा लगेगा करूंगा, जो नहीं अच्छा लगा नहीं करूंगा। खुद की मर्जी का मालिक बनूंगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। We not do something, sir. Then why doing they without soap, sir? उनको तो तुमसे जलन होगी ना। उनके देश में वो लोग टॉयलेट्स और कार्स धोते हैं और तुम लोग एसी रूम्स में बैठकर डॉलर्स कमा रहे हो। उनका फ्रस्ट्रेट होना जायज है, तभी उन्होंने पीटा। अब एक काम करो, उन्हें सॉरी बोलकर कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज करे? अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पुलिस में उनकी कंप्लेंट की, वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे और खबर फैल जाएगी कि कुछ NRIs ने आत्महत्या कर ली है। और ये खबर सुनकर तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मेरी बात मानो और उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
विक्की कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन वो है कहाँ? आए दोस्तों, मैं भी शामिल हो सकता हूँ? तुम्हें गेम खेलना है? आ जाओ। सही निशाना। ये खेलने नहीं, ये मारने आया है। शिट, फाइट करना है तुम्हें, फाइट करना है। फाइट दो लोगों के बीच होती है बेटा, जब एक आदमी दस को पीटे तो उसे धुलाई बोलते हैं। Hey, what you doing? Hey, are you crazy? Hey, hey, come on, friend. Hey, are you going back? Hey, hey, what's this? Hey, hey, hey. What the fuck? Hey, what you doing, man? Leave my pants. Hey, come on, yeah? Yeah, it's there. Just be there, my rip man. I'm coming. Oh no! Hey, oh no! Unse dur hato. Oh, I'm so sorry. अगर तेरी धुलाई नहीं की तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। तेरी तो दोस्त है, ऐसी धुलाई करूंगा कि तू दो दिन तक नहीं उठेगा। Oh come on, where you going, guys? Don't leave me alone. Come back. Hey, come here. Come back right now. Come on. Hey, baby. Give me a minute. I'm sorry. मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? Very girlfriend. Namaste. Sorry. अब भी दुख रहा है? कोई बात नहीं। उन्हें जिस तरह उन्हें पीटा है, अभी तक वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पाए हैं। Left laying then right laying then office coming. Oh, thank you. तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में 4 साल हो गए, अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखा। I tell correct office no. चुप कर। उसे जाना था नॉर्थ, तूने पहुंचा दिया साउथ। No, I tell correct. अच्छा? ये जो तू कह रहा है ये भी सही नहीं है। I am shocked. ये भी गलत है। Oh-oh. Hi दोस्तों. Hi. Hey guys. Hey, hey. Hi. क्या हाल है? Hi स्वाति. Hi. Good news guys. हमारी शादी फिक्स हो गई है, अगले संडे कैथलिक चर्च। कांग्रेचुलेशंस। अब एक बैचलर पार्टी चाहिए। कांग्रेट स्वाति। थैंक यू। ए माइंड गेम वालों का फोन है। गुड न्यूज दोस्तों, माइंड गेम वालों को हमारा बनाया हुआ वीडियो गेम पसंद आ गया है। वो 50% पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए हैं और इंडिया में अपनी कंपनी भी लॉन्च करेंगे। यस, वी गोना अचीव आवर गोल्स मैन। हे कम बनी मैन। बच गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो मेरा बाप मुझे इंडिया बुला लेता और वहाँ तबेला संभालना पड़ता। मेरा बाप भी यही करता। एक मिनट, आया डैड का फोन। हे डैड, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मेरे प्रोजेक्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ओह, कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई। डैड, मैं अपनी कंपनी इंडिया में ही खोलूंगा और फिर वहीं सेटल होऊंगा। एक और खुशखबरी है। अच्छा? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, अब जल्दी घर आ जाओ। आता हूँ डैड। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारा साथ छोड़ दोगे, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करोगे, माइंड गेम्स कंपनी वाले क्या कहेंगे? स्वाति इस काम से खुश नहीं है, वो बहुत अपसेट है। वो नहीं चाहती कि मैं जॉब छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करूं। उसे कहा ये हमारा सपना है? मैंने उससे कहा, पर वो कहती है कि जॉब में सिक्योरिटी है और बिजनेस में रिस्क है। अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं? जो तेरे मन में है वो कर। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने का कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं, पर स्वाति समझने को तैयार। क्या बेकार की बातें कर रहा है? क्या रे, तू चाहता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वापस नौकरी करें? जोरू के गुलाम, शर्म नहीं आती हमें बीच रास्ते में छोड़ते हुए? ज्यादा नो बोलेंगे। अरे छोड़ यार, कल की आई लौंडिया के लिए हमें लात मार रहे थे।
जो बोलना है मुझसे बोल। स्वाति को भेजूंगा। क्या करेगा, क्या करेगा बोलना। अरे ये समझता क्या अपने आपको, ये जानता है कि इसके बगैर अपना काम नहीं बनेगा, इसलिए तो भाव खा रहा है। आज इसको उस लड़की के लिए अपनी दोस्ती प्यारी नहीं रही साला। छोड़ यार, मेरा भी मन मर गया, चल। परफ्यूम अच्छी है, स्वाति ने ही सिलेक्ट की होगी। ऐसा नहीं है, लड़कों वाली नहीं। नहीं यार, बाय। ए यार बात तो सुन। हे प्लीज यार, ए किरण तू तो समझ। आई एम सॉरी यार, हम करिंग व्हाट अभी? करना क्या है उनसे, और वक्त मांगते हैं। ओके डैडी। श्री, पिताजी कह रहे हैं कि एंगेजमेंट के लिए शनिवार का दिन अच्छा है, तुम क्या कहते हो? बड़ों की बात को कैसे इनकार करें? What's happening, केपी? मैं अपनी बेटी को इस पेटू के घर भेज रहा हूँ बहू बनाकर। एंगेजमेंट 2 दिन के बाद है और शादी इंडिया में है अगले महीने। Great, best friends are becoming relatives. I'll catch you later, KP. Bye, bye, bye. Ball please. कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया एनिमेटर है रॉबर्ट, तुम उसे शामिल कर लो। थैंक यू। आपको यकीन है ना कि वो काम जानता है? तुम फिक्र मत करो, मुझे उस पर भरोसा है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गेम बनाना एक क्रिएटिव जॉब है, वो मेरी टीम के साथ एडजस्ट कर लेगा, बस इसी बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर वो एडजस्ट ना कर पाए तो तुम कर लो। माफ कीजिए, मैं एडजस्ट करना नहीं जानता। यूथ एटीट्यूड। मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, पर एडजस्ट करना जरूरी है वरना काम नहीं बनता। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन अगर आपने एडजस्ट किया तो आपका हारना तय। देखो विकी, या तो अपना आदमी लाओ या रॉबर्ट को शामिल करो, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सर माफ कीजिए, मैं अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं करता। या तो रॉबर्ट मेरे मुताबिक चले या फिर मैं कोई और आदमी ढूंढता हूँ। What's wrong with you? ईगो के चक्कर में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दोगे? इतनी दूर मैं कॉन्ट्रैक्ट लूज करने नहीं आया। और हाँ, ये सिर्फ गेम नहीं है कि एक शॉट मिस हो गया तो दूसरा मार लिया। ये मेरा ड्रीम है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा नहीं सोचता। ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या मतलब है तुम्हारा? ए, छोड़ो यार। नहीं तुम रुको, जवान खून है, जिद में प्रोजेक्ट खो देगा। अगर इसे अकल होती तो इतना अकड़ के बात करता। इसे समझाना बेकार। ए पिछली दिवाली के हीरो, अपने आप को अंग्रेज समझ रहे हो क्या? ऐसे कपड़े पहन के कोई अंग्रेज नहीं बन जाता। और ये कौन सा खेल है? इतने बड़े मैदान में पहले तो छोटी सी गेंद को मारते हो, फिर उसे ढूंढते रहते हो, बोर नहीं होते हो? इसे कहते हैं ओल्ड एटीट्यूड। इससे जो शादी करेगा उसकी जिंदगी तो नरक हो गई समझो। उसके बाद मैंने शिवा की जगह अपने एक पुराने दोस्त को रख लिया और हमने अपने बिजनेस की एक नई शुरुआत की। बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद हम इंडिया के लिए रवाना हुए। मेरी बहन की शादी होने वाली थी और मैं अपने परिवार से 4 साल बाद मिलने वाला था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हाँ, क्या है इसमें तुम्हारा नंबर? अरे यार, कैडबरी वाले मेड फॉर ईच अदर नाम की एक नई चॉकलेट बना रहे हैं। इसके लिए वो दुनिया भर के बैचलर लड़के लड़कियों से ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। जिन 2 लोगों का जवाब एक जैसा होगा उनके हाथों ये चॉकलेट रिलीज करवाएंगे। क्या मजाक है, प्लीज ट्राइंग यार। तू ट्राई कर ले, तुझे भी तेरे जैसी कोई मिल जाएगी। नो थैंक्स, दे आर जेलिंग ऑफ माय खुशी। ये खुश होता है। वेट वेट, एक मिनट। मान लो ऐसा हो जाए कि एक लड़की जिसके ख्यालात मुझसे मिलते हो, वो अगर मुझे मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी। पसंदीदा रंग सफेद। लाइफ पार्टनर की एक खास चीज उसकी मुस्कुराहट। वो खुश हो तो उसे क्या करना चाहिए? डांस। मैंने पंडित और वीडियो वाले का इंतजाम कर दिया है, वो लोग यहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्यों अंकल, कहाँ हैं आजकल आप? दिन भर शादी की तैयारियों में लगा रहता हूँ बेटा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी तैयारियाँ तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, बड़ी मदद कर रहा है मेरी। सारी मदद तो लड़की के बाप नंदू के लिए कर रहा है। कम से कम किसी के लिए तो कर रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। अंकल कॉफी? मुझे ललचाओ मत, शाम को आता हूँ। ठीक है।
चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे बाप रे, तीसरे वर्ल्ड वॉर में भारत ने सबको हरा दिया और मैंने मेरी आखिरी गलती, तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी हुआ नहीं है। हाँ, आपको कैसे पता? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक से पढ़ो। कोशिश तो वही है। हेलो, फटे हुए ढोल, शक्ल तो तेरी ढंग की है नहीं, कम से कम गाना तो सुर में गाया कर, सुरदास की औलाद। ओके डार्लिंग, ओके। बोलती हूँ, इस देवदास की पारो बनेगी। कब तक इसकी बदतमीजियां सहते रहेंगे? मेरी शादी होने तक। वही तो, कब करोगी शादी? डैडी की एक ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली है, उन्होंने दीदी के लिए एक दूल्हा ढूंढा है। क्या दूल्हा? मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए। तुम्हें वो पसंद आएगा। देखो बेटी, तुम जितना यहाँ खुश रहती हो उससे कई गुना ज्यादा वहाँ खुश रहोगी। डैड, मैं किसके साथ खुश रहूंगा इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ तय नहीं कर रहा हूँ बेटी, हमारे बीच जो डिस्कस हुआ वो ही बता रहा हूँ। आपने उन्हें यही कहानी सुनाई होगी, क्या आपका बेटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाता है, आपकी बेटी को शादी करके ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, खुश रखेगा। ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा? नो वे। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, वो तो किसी और कंट्री में सेटल होने को तैयार नहीं है। हमने इस रिश्ते के बारे में तब सोचा था जब तुमने इंडिया में सेटल होने की बात कही थी। लड़की कौन है पापा? वो लड़का? वो लड़की? वो बचपन में इतना अकड़ू था। अरे वो तो बचपन से मुझ पर धौंस जमाती थी, और वो लड़की नहीं, टॉर्चर है। लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। देखो विक्की, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर उसे एक बार देखने में बुराई क्या है, कुछ नहीं। हम 10 दिन तक वहां रहेंगे ना, तो देख के बताऊंगा। वो 10 दिन के लिए यहाँ आ रहा है ना, देख कर बताऊंगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक डेटिंग है, आप शादी की तारीख मत तय कर देना। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, अगर उसने अपने फॉरेन रिटर्न होने का रॉब मुझ पर जमाने की कोशिश की या उसने मेरी इज्जत नहीं की तो चुप नहीं बैठूंगी। जैसा तुम चाहो। भगवान जी, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना। मेरे पति आपके दर्शन के लिए अपने सिर मुंडवा कर अपने घुटनों के बल चल कर आएंगे। बेटा, एक जमाने में यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी जमीन हमारी थी, तुम्हें याद है ना? पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो पापा? हमारा गांव कितना खूबसूरत है ना? मंदिर आ गया। अरे बेटा, जरा गाड़ी रोकना तो। माँ, बाद में दर्शन कर लेना, 10 दिन के लिए यही है। अरे अगर हमने दर्शन नहीं किए तो हमें पाप लगेगा। हाँ। ओ तेरी की। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ जी? पंक्चर हुआ है। अरे दूसरा टायर भी नहीं है। मैंने बोला था ना मंदिर में दर्शन नहीं किए तो सजा मिलेगी। वो भगवान है, इंसान नहीं है, जो इतनी सी बात पे सजा दे देंगे। अच्छा आप लोग दर्शन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ मदद ढूंढता हूँ। सुनो, देखना कहीं इधर उधर भटक ना जाओ। भटक ना जाओ? डैड, मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, आई नो। भगवान हमारे में है, चलो जल्दी गोविंदा, गोविंदा खरीदा था, चलो बाद में मंदिर में दर्शन करो। लिफ्ट, जाओ जाओ, कुछ पानी करो इसकी तो। हे प्रभु, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे, दया कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए। यार इससे नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या सोचेगी। रुक, कहाँ जाना तुम्हें? अब राव के घर तक। नहीं, उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी का पंक्चर ठीक करना है, तो किसी पंक्चर वाले के पास ले चलो। नाम क्या है? विकी। बैठो। ओके, शुक्रिया। मैं नहीं जानता था कि गांव की लड़कियां इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो किसी अनजान को भी लिफ्ट दे दें। मुझे डाउट था कि लिफ्ट मिलेगी या नहीं। थैंक्स डार्लिंग। वो डार्लिंग बोला मेरी पुरानी आदत है। अच्छा, तुम डॉक्टर राव की बेटी प्रिया को जानती हो? जानती हूँ, क्यों? वो क्या है कि मेरे माँ बाप उस लड़की को मेरे गले में बांधना चाहते हैं। पता नहीं कैसी दिखती, मोटी, काली, नाटी या फिर सुंदर है। सुंदर होना जरूरी है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। वो क्या है कि बचपन में थोड़ी सी हटेली थी वो, थोड़ी सी पावली कम। सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो, उसने मना कर दिया तो? मुझे मना ही नहीं कर सकती, मुझसे बेटर कोई मिलेगा ही नहीं। अभी पता चल जाएगा क्या कर सकती हूँ। पंक्चर वाले की दुकान उस तरफ है। ठीक है, वैसे खूबसूरत तो तुम भी हो। क्या?
नहीं, मजाक कर रहा था। चलो मेरे साथ थोड़ा वॉक कर लो। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। सफर एंजॉय करना। गांव की लड़कियां भी प्यारी होती हैं। एक मिनट, सॉरी यार। अब बता सकते हैं ये रास्ता किस तरफ जाता है? पहाड़ के पास। अच्छा, उसके बाद कहाँ? नदी के पास। और पंक्चर वाला कहाँ मिलेगा? वो इस तरफ नहीं है, सीधे चलते जाओ 10 किलोमीटर। What? क्यों बेटा, तुम टायर चेंज करने चिंचपोकली गए थे क्या? बस भी करो, इतने सालों के बाद गांव आया है, जरूर गांव में घूम रहा होगा। बेटी प्रिया। हाँ? अरे विक्की के लिए एक गिलास पानी तो लेकर आओ। अरे तो ये हंसले हंसले जी भर के हंसले। तूने 10 किलोमीटर मुझे जंगल में चलवाया ना, मैं तुझे अगले 10 दिनों में उतना ही रुलाऊंगा। You are rejected। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, मुझसे दूर ही रहना वरना नानी याद दिला दूंगी। वैसे तुम्हें 10 किलोमीटर दूर इसीलिए छोड़ा था कि तुम समझ जाओ कि यू आर रिजेक्टेड। आपका सफर अच्छा तो रहा ना? बहुत ही अच्छा रहा। ये iPhone 4 है ना? ये ग्लासेस गुची के है ना? ओकले। ओकले। मुझे दोगे? हमने सबसे कह के तो रखा है, लेकिन पक्की तारीख किसी को नहीं बताई है। कोई बात नहीं, चलकर सबको बता देते हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? विक्की चला जाएगा। विक्की? वो फिर कहीं भटक गया तो? हाँ, प्रिया चली जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब आएगा मजा। बेटा मीठा खाओ। नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा, अब पता चला इतने कड़वे क्यों? मीठा जो नहीं खाते। इसकी तो मैं। हाँ, थैंक यू। पहले बता, तेरी बहन को गुस्सा किस बात पे आता है? एक नहीं, 3 बार बताता हूँ। किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, अब ये तेरा हुआ। गुलाबो, मेरे लिए दही बड़ा लाना। मामू, डेंजर। ही कहा आपको, गैस हुई कबा का? अनिक, पूरी तरह से ना उतरे। इस तरफ से मना है क्या? उल बनाया, थोड़ा मजाक करने का जी नहीं करता तेरा? जी कर रहा है तो रहा, पेटवा दबा दूं। नहीं दबा पाएगा, इट्स नेचुरल। सब चलते हैं मुझसे, क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मेरी बात ही अलग है। चप्पल निकालो जल्दी। हाँ। 50 रुपए की है, चोर बाजार से ली है, अब धो डालो। अरे चप्पलों को नहीं, मेरे पैरों को धोना था। सुन रे, क्या तेरी बेटी है ना? हाँ मालिक। नाम क्या रखा है? हमारी माँ का नाम लतिका। लतिका, ये कैसा नाम है? दूसरों का नाम चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छे 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 छे। लतिका, लतिका, का आतील, कातिल, एकदम परफेक्ट नाम है। बढ़िया है ना, पसंद नहीं आया? छोटे लोग छोटी पसंद। ओहो, मुझे कॉफी इतना पसंद है ना कि अंकल आप मुझे मुड़वा लेंगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे। क्या बोल रहे? जस्ट जोकिंग रे बाबा, समझा करो। और बेटा सब ठीक ठाक? तुम बताओ क्या ढूंढ रहे हो? सिर्फ सांबर खा रहा हूँ। अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे टेस्ट आएगा तुम्हें? बस थोड़ा आलू मिलाओ और बाकी सब सब्जियां मिलाओ और खाओ। थोड़ा गाजर भी खाओ, पत्ता गोभी भी खाओ, लो ठूसो अपने पेट में। ले लिया पापड़ चूरा करके डाल दिया इसमें, देखना अब आएगा मजा। आई नो, सबको टेस्टी खाना खाने का हक है। अंकल मुझे भी कुछ परोस दो ना। आई लव यू माई बॉय, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ। हाँ? हाँ?
हाथ तो नहीं जल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आग को पानी में भिगो के पी सकता हूँ। मैं बस अभी हाथ धो के आया। मैं नहीं, भिखारी है। कैसे हो विकी बाबू, पहचाना नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 1 रुपया देगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। क्या? सच में? अभी भी दे दो, शादी कर लेगा तुमसे। याद आया विकी बाबू? तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम इस गुलाबों की नाक जो साफ किया करती थी। काम क्या करते हैं? बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है, वीडियो गेम बनाता है जो फालतू लोग खेलते हैं। गाड़ी क्यों नहीं ले रही हो? थोड़ी खराब है। ठीक है, स्कूटर मैं चलाऊंगा। क्यों? ब्रेक लगाकर चिपकने के लिए? What? वाह, क्या खुशबू है। वाह, रेशमी जुल्फें। उतरो। ओके, तुम चलाओ, पर ब्रेक मत लगाना वरना शामत आई समझो। ये क्या कर रहे हो? ब्रेक क्यों नहीं लगाया? तो कहा ब्रेक मत लगाओ। स्टॉप, उतरो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? हैप्पी? टेरिस पर एक स्पेशल जगह है जहाँ कोई नहीं जाता, वो पता नहीं क्यों उसे स्पेशल लगता है, मेरा आईफोन। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती मेहमानों के घर पर पी रहे हो? घर पे पीने का शौक मुझे भी नहीं है, फिर सोचा क्यों नहीं ये गुस्ताखी कर लो तुम्हारी खास जगह पे। चलो उठो और यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है, मेरी प्राइवेट जगह। आउट। सुनो, तुम भी पी सकती हो, ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखती जाओ क्या होता है। गुलाबो, इसका मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाय प्रिया, तुम्हारा विकी कैसा है? अभी भी पहले जैसा ही है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग? 2 दिन में ही परेशान हो गई? 2 दिन की बात कर रहे हो? मैं तो उसे 2 मिनट भी झेल नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। Thank you.
मुझे विक्की पसंद नहीं है डैडी। हर बात में बस जीतना है उसे, बिल्कुल नहीं बदला है। बहुत जिद्दी है वो डैडी, इरिटेट हो चुकी हूँ। शरारत तो तुमने शुरू की थी ना बेटा। जरा आईने की तरफ देखो, हम मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराता है, और अगर हम उसे गुस्से से देखते हैं तो वो भी वही करता है। इंसान भी वैसा ही होता है। तुम हमेशा कहती हो ना कि जो भी हम देते हैं वही हमें मिलता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरी खातिर सिर्फ एक दिन विक्की के लिए सोच कर देखो, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदलता तो ना कह देना। हमारे बीच जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अब एक नई शुरुआत करते हैं। Let's be friends. एक बात कहना चाहता हूँ। कहाँ ना झगड़ा भूल जाओ। तुम वाकई बेहद खूबसूरत हो। गलती मेरी है जो मैंने इस बात को कुछ ज़्यादा ही खींच दिया। कितना परेशान किया है मैंने तुम्हें। I'm sorry. Friendship में no sorry, no thank you. Okay? सुनो जी, जैसे ही प्रिया विक्की हाँ। को लेकर इस कमरे में आएगी तुम उसके ऊपर चादर डाल देना, फिर इस बम्बू से उसके तंबू उखाड़ देंगे। इस काम में मालकिन हमारा साथ देगी का? अरे भाई क्यों नहीं देगी, हाँ। हम उसी का बदला तो ले रहे हैं। हाँ। चल चल, वक्त खोटी मत कर। चलिए भाई। ये क्या मालिक, मालकिन उसके साथ आ रही है जबकि उनको प्लान के बारे में पता भी नहीं। छोटे मेरी भांजी है, मैं इशारा करूंगा वो समझ जाएंगी। हाय बॉबी। तुम विक्की को कमरे में ले आओ, गेम ओवर। हाँ मुझे ईमेल कर दो। इका मालिक, आपने इका इतना मारा फिर भी चट्टान माफी खड़ा है। इसे मैंने इतना मार मारा कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, लेकिन किसी को छुप के मारने में कोई मर्दानगी नहीं है। चल जल्दी पर्दा हटा। गलती से मिस्टेक हो गया। इट्स ए मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। तुम मेरा फ्यूज उड़ाओगे? माँ कहती है गलती इंसान से ही होती है। साहब की तो बच गई बहन। आपको तो एक खरोच तक नहीं आई मालिक। खरोच देखने? ऐसी जगह खरोच आई है ना तो दिखा सकता हूँ और ना छुपा सकता हूँ। विक्की वो देखो स्कूल, कुछ याद आया? हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। स्कूल से मुझे मैथ्स के टीचर की याद आ गई। ओह गॉड, ही वाज अ नाइटमेयर। अगर मुझे टेबल्स याद नहीं होते थे तो वो मुझे स्केल से घुटने की हड्डी पर मारता था। और वो पांडु बाबू याद है ना, वो अपना हाथ उसे देता था और तुम्हें देखता रहता था। तुम्हें याद है ना? याद है। आई मिस माय क्रिकेट टीम। हम सब बड़े होकर सचिन बनने का सपना देखते थे। कितना अच्छा होता अगर मैं दोस्तों से फिर मिल पाता। काम पूरा हो गया? नहीं साहब। अरे जल्दी करो, प्यास से मेरी गाय मर जाएंगी। जाओ जल्दी। हाँ, पानी पिलाता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये कौन है, ये मुझे नमस्ते भी नहीं कर रहा। विक्की आनंद अंकल का बेटा, और यह है सुबहराव अंकल, वेटरनरी डॉक्टर। हाय। ओहो हो, तुम वो हो जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो? मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कह रहा था कि वहाँ उसका जो सॉफ्टवेयर का धंधा है वो पूरी तरह मंदा हो चुका है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए वहाँ काम करने की क्या जरूरत है। यहाँ मेरा तबेला है और उसे यहाँ वापस बुला लिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो मेरी तरह बिजनेसमैन नहीं है ना, अब तुम क्या करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। कोई मुश्किल नहीं होगी अंकल, ये वीडियो गेम्स बनाता है, अगर एक भी गेम बिका तो 1000 तबेले खरीद सकता है। ये तो नेले पे तेला मार रही है। चलो विक्की। लाओ बैग्स, मैं ले लेता हूँ। वैसे तुम्हारे साथ शॉपिंग करके बड़ा मजा आया मुझे। ये भाभी है ना। जल्दी चलो विक्की,
आपने सुना तेरे को लड़का देखने आया है? तूने कहीं उसको हाँ तो नहीं बोल दिया? नहीं, जानता हूँ नहीं बोलेगी। और अगर गलती से भी हाँ किया ना, गेम बजा डालूंगा। चलो निकलते हैं। ये नमूना कौन? नाम अपुन का कल्लू, मारू तेरी हल्लू हल्लू। ये अपुन के रगों में समाई है, अपुन का प्यार पूरे एरिया में फेमस है। ज्यादा होशियारी किया तो मम्मे! इसे क्यों मारा विकी? ये तो मैं छेड़ रहा था ना। अब ये बदला लेगा तुमसे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। ये क्या किया? तुमने कहा था ना बदला लेगा, इसलिए इसे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर तुम तो एक हफ्ते बाद शहर जाओगी ना, तो एक काम करो, इसका खेल आज ही खत्म कर दो। दीदी आप तो नाराज हो गई। ओह ऐसा है, एक काम करते हैं, आसपास में कोई कुआं होगा वहाँ इसे ले जाके फेंक देते। गुड आइडिया। कुएं में मत फेंकना बहना, समझा? बजा देना तेरी तक दिना दिन दिन। सुनो ना दीदी, दीदी मैं डर गया। दीदी कहने क्या, अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा मैं, अपने ग्यारहवें बाप की इकलौती औलाद हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहुंच गए, ये मुझे कुएं के पास ले आया, कोई मेरी जान बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। बेवकूफ। देख छोटे, तेरा पूरा हक बनता है कि तू इस लड़की से बेहद मोहब्बत कर, उतना ही हक उस लड़की का बनता है कि उस मोहब्बत को ठुकराए। जोर जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता प्यारे, फिर क्यों फालतू में इतना गुस्सा कर रहे हैं? देख दोस्त, कोई ना कोई लड़की जरूर होगी जो तुझे सच्चा प्यार करेगी, थोड़ा सबर कर और बस उसका इंतजार कर। गुड लक। चलो। छह, कुछ तो सोचना पड़ेगा। इकाम मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे। अरे उसका गेम बजाना तो एक मिनट का काम है, एक मिनट का। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा, उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा, उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड़े मारूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मामा जी आपका भाई। जब तू लोटपोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था। हाथ का बच्चा। मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। तो और क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे। मामा हाथी का बच्चा नहीं तो क्या, तेरी मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा। आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही कर दूंगा। हाय विकी। हाय, कैसी लगी भाभी? अच्छी है। तो तुमने उसे हाँ कह दिया? अभी तक हाँ तो नहीं कहा है, पर ना करने की भी कोई वजह नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में उस कंपनी ने क्या जवाब दिया? ये क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा, इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना, फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे आकर दिया? डैड, ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं आया है, वो लोग मुझे तनख्वाह भी देंगे और अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी। कितना पैसा देंगे वो बोलो? ये यहाँ पर नहीं कमा सकता, हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं, हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में। डैड, इट इज माय ड्रीम माय लाइफ। ड्रीम हाक ड्रीम है, ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल, 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे, अपने सपने पूरे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अंकल। और
जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना। हे, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। वैसे क्या देख रही हो? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियां सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में तो कर लेता हूँ, पर क्लासिकल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी मुस्कान को देखने के लिए मैंने ये वीडियो भेजा। अगर पर्सनली बोलता तो तुम सिर्फ मुझे थैंक्स बोलती, लेकिन मैं इस पल को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक ऐसा फीचर है जिसमें मैसेज रिकॉर्ड करके मैं टाइमर सेट कर सकता हूँ, तो मैंने टाइमर सेट किया और मैसेज तुम्हें मिल गया। ओह गॉड, तुमसे बात करते करते वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दिल कर रहा है कि मैं तुमसे रात भर बैठ के बातें करता हूं। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस खूबसूरत जगह को गंदा करूं कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ दे रही हो? क्या जगह है अंकल? कोई है? रेनू, कल्पू। मैं जानती हूँ तुम सब यही छुपे हुए हो, जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। ओके, मैं सच में जा रही हूँ। कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ प्रिया बेटा? कुछ नहीं हुआ है, आप सबको बुलाना जो था। ड्रामेबाज कहीं की। घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। What? हम बुजुर्गों को हमारे बच्चों ने अनाथ कर दिया, और बच्चों को उनके माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारने के बाद हम तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक तक नहीं रहे। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है, इसलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए, और हम बुड्ढों को बच्चों का प्यार, हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों को। हर इंसान अपना बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा हैं ये लोग। तुम्हारी ये दुनिया हमेशा खुश रहे, मेरी दिल से दुआ है। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, पर मेरी जिंदगी घर, ऑफिस, दोस्त, पब यहीं तक सीमित है। पर तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम अपने इस प्यारे से घर से, इस मंदिर से, इस गाँव से एकदम जुड़ी हुई हो। इसे ही तो सही मायने में जिंदगी कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर रंग शामिल है। In fact, I really love your world. मालिक, देखिए बाबू आवत हैं। हमार मुस्तंडे कहाँ हैं?
पलक झपकते ही वो यहाँ पर होंगे और अगले ही पल विकी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसमें रत्ती भर की भी जोखिम नहीं है। जी? गाड़ी की आवाज आ रही है, दो गाड़ी है क्या? हाँ, दो सुमो है। उसमें से डॉन उतरा, कल्लू कोयला उतरा है। कल्लू कोयला? हाँ। वो यहाँ कैसे आ गया? आप उनको तूने डिकी में बंद किया था ना, अब तू अपनी संभाल। जानता ये कौन है? हनुमान जिम का मालिक। पड़ेगा एक मुक्का, बन जाएगा लुक्खा। और ये है पहलवान नंबर दो, उठा के आईब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो। और इनसे मेल, ये हमारे गांव का पहलवान है, चाहे जो कोई भी हो फोड़ कर मरोड़े उसको। बेटा कोई जरूरी काम छोड़ के तो नहीं आया? क्योंकि हड्डी पसली टूटने के बाद हो सकता है हॉस्पिटल में रहना पड़े, चलेगा ना? तू मारेगा मुझे? मैं नहीं मारूंगा। बोलना कौन मारेगा, शाणा है क्या तू? मैं देख क्या रहा हूँ, मारो ना, बचाओ यार, डंडा का डाला बे। सॉरी यार, वो देखिए हमारे आदमी। चली को कहते, पुशी को रॉक कहते, और जो फोकट में मार खाए उसे मामा कहते। अरे सुन, मुझे हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मालिक मैदान छोड़ के भागा तो? अरे सुन, एक पते की बात बताऊं, जब खतरा ज्यादा हो ना तो पतली गली पकड़ने में ही भलाई है, चल भागती है। माफ कर दे। दुख रहा है डॉक्टर? कुछ दिन रेस्ट करना होगा। ओके। क्या जरूरत थी इसकी? मैं खुद की हिफाजत कर सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि कोई खुद से ज्यादा मेरी परवाह करे। आइंदा ऐसा कभी मत करना। सॉरी, अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी। ओके ओके। लेकिन वो तो कर सकती हूँ ना जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो रोका किसने है? तुमने। मैंने? ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तुम एकदम पागल। ओम विश्वानि देव। हेलो। ए विक्की, मैं शिवा बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर शिवा, मैं इंडिया में हूँ, मेरी बहन की शादी है। ठीक है यार, बाय। शिवा, आई होप सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है यार। तूने सही कहा था दोस्त, जब से स्वाति के लिए मैंने खुद को बदला है, सारी खुशियाँ छीन गई है। मैंने उसके लिए अपने सपने, अपने शौक, अपना जॉब, सब कुछ छोड़ दिया यार, पर फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर पाया। हमने शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हम एक दूसरे को डिवोर्स देने जा रहे हैं। ओह नो। तो चले? कहाँ जाना है? अब मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर जाने वाले हैं। अभी नहीं, बाद में चलें। No way, तुम्हें चलना ही होगा, प्लीज चलो ना।
जिद क्यों कर रही हो प्रिया? ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भूल गए? नो सॉरी, नो थैंक यू। अब चलो। पर कहाँ? सीक्रेट। ये तुम कहाँ लेके आई हो प्रिया? आओ। हाय। स्कूल फ्रेंड्स। कृष्णा। हाँ भाई, तूने तो पहचान लिया। ये इतना मोटा कैसे हो गया तू? बैठे बैठे काम करता हूँ ना। और तू रवि है ना? नहीं नहीं राजू। ओह सॉरी। हाय, कैसे हो तुम? 2+2 कितना होता है? गोपाल सर, 2+2 कितना होता है? 22 सर। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक मैथ्स में कमजोर हो, हाथ आगे बढ़ाओ। कितने दिनों बाद आए, जीते रहो बच्चे, जुग जुग जियो। वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पीछे बचपन से पड़ा हूँ, आज तक उसने मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉनवेज शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया, और तो और अपने कुत्तों से भी मुंह फेर लिया। जो लड़की आज तक गांव से बाहर नहीं गई, वो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई। गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो। थैंक्स विक्की। अक्सर ये घबराहट होती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ल्ड। विक्की भैया, अंकल आपको बुला रहे। जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है, कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। विकी कहाँ है? आ बेटा, कल का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हम डैड? ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे जाने से पहले मंगनी हो जाए तो अच्छा नहीं है क्या? अब भूल गए? मैंने आपसे 10 दिन का वक्त मांगा था, आपने तय कर लिया, लेकिन आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी ही नहीं। ये क्या मजाक? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? प्रिया मुझे पसंद है, लेकिन माफ कीजिए डैड, ये रिश्ता कामयाब नहीं होगा। क्योंकि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर हम शादी करेंगे तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी होगी या मुझे अपने सपनों को भूलना होगा, और ये मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले। मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बचपन से वो डांस करती आ रही है, उसे छोड़ेगी तो उसे दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, उसे छोड़ेगी तो दुख नहीं होगा? इसने वेस्टर्न कपड़े पहनना छोड़ दिया, अपना मन पसंद खाना छोड़ दिया, ये सब त्याग इसे मेरे लिए करने की क्या जरूरत है? आज ये सब कर पा रही है, लेकिन अगर शादी के बाद इसे इस बात का पछतावा हुआ तो? अब तुम ही बताओ प्रिया, जो तुम्हें बदलना चाहे वो लड़का सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसा ही अपनाए वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी। मानता हूँ, लेकिन इसकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये आज समझौता करने को तैयार है, लेकिन मैं जानता हूँ शादी के बाद ये खुश नहीं रह पाएगी। क्यों?
समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं है? आपके जमाने की बात और थी डैड, जमाना बदल गया है, तेजी से बदल रहा है। घर से काम के लिए निकलते हैं तो पता नहीं होता शाम को कब लौटेंगे। 24 में से सिर्फ 2 घंटे मियां बीवी एक दूसरे के साथ गुजार पाते हैं। उन 2 घंटों के लिए कोई किसी के साथ समझौता क्यों करे? हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मेरी यही सोच है। भले आपको मेरी ये सोच सही लगे या गलत। बेटा ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है। पसंद तो मुझे ताजमहल भी है माँ, लेकिन उसे मैं घर में लाके सजावट का सामान नहीं बना सकता। मुझे माफ करना प्रिया, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। I'm really sorry, दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। आप दोनों ने मुंह क्यों लटका रखा है? आप तो मुझे जानते हैं ना। यही तुम्हारी गलतफहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड मैं जानता हूं, ऐसी सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। मैं उसी लड़की के साथ खुश रहूंगा जो मेरी तरह सोचती है। ये बात डैड कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको समझाना बेकार है। खैर, मुझे ये सब भूल के अपनी मंजिल को पाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, सो देखेंगे अपनी न्यू बॉस। तू भी ना। हाय, अभी तक बैग लेके यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। कामयाबी के लिए ना मैं खुद को बदलता हूँ ना किसी के सामने झुकता हूँ, सिर्फ अपने टैलेंट पे विश्वास है जो मुझे कामयाबी तक जरूर पहुंचाएगा। इट्स दैट सिंपल। अगर उस दिन मैंने आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लिया होता तो अब तक मैं बैठा गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया तो इसलिए मुझे बड़ी कंपनी से ऑफर मिल गया। किस बेवकूफ ने तुम्हें ये ऑफर दिया? क्यों, उसे नौकरी से निकालना है? उस पर दया आ रही है। 1 मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा कैबिन आ गया। हाय विकी। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? दुबे सर। Oh God! राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है, मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया? उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर, देखो मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर,
अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल लीगल कर रहा है, मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो, क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप। उससे कहो कि अपना रवैया बदले, अगर वो नहीं माने तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करके उसे निकाल दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। राजा। जी सर। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है, इसके इंडिया जाने का बंदोबस्त। ओके सर। जीजा जी। हेलो। हाय, मैं जॉर्ज हूँ, कैडबरी कंपनी से बोल रहा हूँ। तुम विकी हो? हाँ। क्या तुमने कैडबरी मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट के फॉर्म को भर के हिस्सा लिया था? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, 6.5 लाख एप्लीकेशन में से आप विनर चुने गए हैं, एक ऐसी लड़के के साथ जिसकी पसंद आपसे मिलती है। क्या 6.5 लाख लोगों में कोई एक लड़की है जो मेरी तरह सोचती? कौन है वो लड़की? विकी बोल रहा हूं, क्या तुम मैगी बोल रही हो? हेलो। हे, वेयर आर यू? तुम कहां हो? कॉफी शॉप के सामने। गच्चा। तुम कहां हो? ढूंढ लो। हाँ? मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो, मैं किसी से ऐवे नहीं मिलती, उसमें डेफिनेटली कोई स्पेशल बात होनी चाहिए। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अगर 3 मिनट में ढूंढ लिया तो क्या करोगे? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं, इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी होंगे। आई विल वेट, लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे। ओके। What? नहीं नहीं। Hi Maggie. Your time is up. Ma'am, आपका order. पर मैंने तो order नहीं किया। मैंने किया था। What? 2 मिनट पहले। Apple pie, choco pie और mineral water तुम्हें बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ। वो कैसे? Simple. हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेशल लोगों से मिलने व्हाइट कपड़े पहन कर जाते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया। मैं तो उस लड़की को उस कॉम्पिटिशन की पार्टनर के रूप में मिलने गया था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। ये भी वही करती है जो उसे पसंद है, एडजस्ट करना उसका स्टाइल नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों एक ही दुनिया के हैं। तो अब क्या, डेट पर चलें? क्या अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? हा? देखो, 40 देश, 200 एयरपोर्ट और 6.5 लाख लोगों में से हम दो ही हैं जो ये कॉम्पिटिशन जीते हैं, इंडियन है और एक ही शहर में रहते हैं। देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट जरा सोचो, एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने गवा दिया। क्या? बहुत मजा आएगा, क्यों? हेलो। हेलो मामा जी, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मामा जी, मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। क्या है ना,
वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और पेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी, उससे एक वेकेशन की जरूरत है। मैं प्लेन का टिकट भेज रहा हूँ, बेहतर होगा उसे यहाँ भेज दीजिए। यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी, अब विक्की की भी आती है। आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं दुनिया हमें वही देती है। मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो। हेलो माँ, कैसे हो बेटा? सुपर माँ। पापा ने कहा था ना कि मुझे मेरी तरह सोचने वाली लड़की नहीं मिलेगी, मुझे मिल गई माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपने पति को बता दीजिएगा, आज मैं उसके डैड से मिलने जा रहा हूँ। माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई बात नहीं माँ, चलिए फोन रखता हूँ, बाय। सॉरी मैगी, आने में देर हो गई। जल्दी आओ विकी। तुम्हारे डैड कहाँ है मैगी? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता ये काम करना। आ बेटा। डैड, ये है विकी। अब बोलना नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड। मैं अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं करता। अपने आप को अंग्रेज समझ रहे हो क्या? ओल्ड एटीट्यूड। जिंदगी भी कमाल के मजाक करती है। नाइस टू मीट यू सर। आई एम सॉरी सर। वो तुम्हारे लिए सही लड़का ये नहीं। क्या बात हुई डैड, पहली मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। पूरे एक महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया है, वैसे भी शादी मुझे करनी है आपको। लेकिन नहीं। तुम तो मेरी बात मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रही। ये मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। तुम गलत डिसीजन ले रही हो। मेरे हर डिसीजन को आपने हमेशा गलत ही कहा है। मैगी, अपना हुनर जीजू को दिखाकर यहाँ सेटल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस है। अंजी बाबू, लग जा काम पर। तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सब मुझे पता था आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे, इनकी वहीं धुलाई कर सकता था। लेकिन मैं जानता था कि आप फिर से गुंडे भेज देंगे मुझे मारने के लिए। क्या फायदा, आपके पैसे बर्बाद होंगे और मेरा टाइम। इसलिए तुम मारना चाहते हो मुझे? आजा। अच्छा तू मारना चाहता है? आजा। Stop it!
आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सेलेक्ट हुई है। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन पर टिक किया जाता है। हम अक्सर प्यार में अंधे होकर गलत फैसले लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते, मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं। तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे। मैं इसकी तरह सोचता हूँ, ये मेरी तरह सोचती है। अगर हम साथ में जिंदगी बिताएं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एडजस्ट नहीं करोगे। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो। अपनी सारी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे। एक साथ जियोगे कब तुम लोग? माँ बाप को अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है, और तुम लोग ये बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। गलत कह रहे हैं आप। जब यहाँ नौकरियां ज्यादा थी और लोग कम, आप उस वक्त आकर यहाँ कामयाब हुए, और मैंने हजारों लोगों को हरा कर यहाँ पर कामयाबी पाई, लेकिन फिर भी मुझ में बैलेंस नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मैं मैगी से प्यार करता हूँ। अगर मेरा रिश्ता किसी मैरिज ब्यूरो से आता तो आप मेरी कामयाबी देख के उसे सराहते और इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते। दूसरी प्रॉब्लम, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता, करता भी तो इतना नहीं करता कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि मैगी उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रह पाएगी? बात एकदम सिंपल है। रिश्ता बनता है भरोसे से, और हमें पूरा भरोसा है कि हम शादी करके खुश रह पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं ही मैगी के लिए एकदम सही लड़का हूं, और ये बात इस दुनिया में आपको छोड़कर हर कोई मानेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी है, सारे रिश्तेदार यहां पर होंगे, तुम भी आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। जो बात मेरे बाप ने कही थी वही बात ये बुढ़ा भी दोहरा रहा है। इन दोनों को गलत साबित करने का यही मौका है। आप 2 की बात कर रहे हैं? अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है जी? ये कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों में से ये चुने गए थे। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। 4 दिन भी टिक नहीं पाएगा ये, बोल जाओ उसे। जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे। तू फार्म हाउस तो आविकी, तेरे कपड़े वहीं पर फाड़ूंगा मैं। हाउ यू राजी होइंग विद रिस्किंग शर्त विकी? रिस्क? मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तुम लोग तो मुझसे खुश हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो बस, बाकी लोग भी खुश रहेंगे। मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मुझे ना पसंद करे। वो तो उसके विलन डैड ने बीच में टांग अड़ा दी, नहीं तो मैगी से शादी हो चुकी होती और अब तक हम लोग हनीमून मना रहे होते पेरिस में। हाय। हाय मैगी। तुम निकल कब रहे हो? बस आज रात की फ्लाइट से। मतलब कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाओगे? हाँ ऑफ कोर्स, और हमारा चैलेंज भी कल से शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे वो एक मिनट। हेलो राम बाबू। हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। ना यहाँ खाने को मच्छी है ना झींगा है, तेरी लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है। सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हाँ हनीमून के लिए कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, मुझे मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? हाँ। पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा तूने पहले उससे पूछा, फिर मेरे पास क्यों आया? उसे क्या पता कि वो किस बेवकूफ से पूछ रहा है। मैं नहीं, तू बेवकूफ। ज्यादा फालतू बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। ए,
बड़ा भाई से अगर बदतमीजी से बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। अरे तुम भी ऐसा वैसा बात मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं रहा। अरे छोट, अगर तू इतना ही बड़ा है तो आपने बीबी कहा तो मैं माफी का पैगाम मेरे पास क्यों भेजाते हैं? बोल बोल। हाँ हाँ गलती हो गई, माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम्ब भेजना चाहिए था। इस इडियट की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। ये क्या है, एक झापड़ दूंगा। बोलते क्या, लगा दे। सिर्फ इसको नहीं तुझे भी दूंगा। मुझे क्यों मारोगे? अरे उम्र देखो अपनी और बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। अगर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तमीज से अलग हो जाओ। एकदम करेक्ट बोला, तुम तो लंदन जाकर कोई बेकार सी नौकरी ढूंढने वाले थे, तो जाओ हमें छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तुझे नहीं मुझे मिलेगा, ये शादी होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा मानुष सूरत देखने से अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ। बिल्कुल चले जाना, वरना मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा। और तुम दिखाई मत देना मुझे। मैं बस अभी आया। हाय अंकल। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? जिस तरह से दोनों लड़ रहे थे और क्या सलाह देता, खुश रहेंगे? गलत सलाह है, उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें, इसी से वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे। जब दोनों साथ में खुश नहीं है तो उन्हें अलग होने का फैसला कर लेना चाहिए। चाहे मुश्किल हो या आसान, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। दादाजी उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं वहां से आप हमारी जनरेशन जो आज में जीती है उस पर टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। ये बातें मैंने बहुत सुनी है, आप जो कह रहे हैं वो किताबी बातें हैं जो असल जिंदगी में लागू नहीं होती। डैडी। क्या? ये मैगी का फ्रेंड है और शादी में आया है। अतिथि देवो भव, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है, इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हें तो मैंने यहां 4 दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस, लगता है 2 दिन भी टिक नहीं पाओगे। आई लाइक दिस। गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें किस करे तो टेंशन दूर होता है, मूड बेटर हो जाता है। टेंशन कहाँ से दूर होगा, आते ही मैंने 3 लोगों से झगड़ा कर लिया। मैं आज तक कोई चैलेंज नहीं हारा और यहाँ तो दाव पर हमारा रिश्ता है, ये चैलेंज हम ही जीतेंगे। पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं, मेरे परिवार के लोग डैडी उनसे हमारे बारे में पूछेंगे, पता नहीं उनका जवाब। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड के किस करने से गर्लफ्रेंड का टेंशन दूर हो जाता है, मूड बनता है। अगर मेरे मामा ने तुम्हें किस करते देख लिया ना तो तुम गए। क्यों, क्या करेंगे? तुम शायद जानते नहीं कि वो इस पूरे एरिया के छोटे डॉन है, तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे। जिसे तुम शहर का डॉन कह रही हो वो तो मुझे जोकर लगता है। मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मुझे 11 गांव के हवलदार ढूंढ रहे हैं। शादी होने से पहले तेरा बैकअप नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, समझा क्या है मुझे? आज चुम्मा ले ले, कल तुन्ना तुन्ना कराऊंगा। यहाँ भी किस किया, यहाँ भी किस किया। जाओ बता दो मामा को। अरे मेरे गोलू पोलू, एक छोटा काम कर, उस विक्की को जाकर बोल कि मैगी उसे बुला रही है और तू ये चॉकलेट खा, बहुत कमजोर हो गया, जा मजा आएगा। देख लेना विक्की, आज तेरे में अच्छे से चंपी करूंगा। जीजू मुझे आशीर्वाद दो जीजू कि मैं आपके नमक का कर्ज अदा कर सकूं। गिर गया। अरे जीजू इसकी क्या जरूरत, तुम ही तो मेरे अपने हो, लाओगे क्या? गिर गया। अबे तो रॉन्ग नंबर लग गया। अरे राम भैया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करो। तेल गिराता है, मुझे गिराता है। मैंने तो लक्ष्मण के लिए तेल गिराया था, तुम देख के नहीं चल सकते थे? लक्ष्मण के लिए गिराया था तो मुझे बोलना चाहिए ना। और एक इनकमिंग कॉल, लोगों से मेरी मेनलाइन का कनेक्शन टूट जाएगा।
मेनलाइन कनेक्शन छोड़, तेरा तो टावर ही टूट गया। अच्छा सबक सिखाया। सबक सिखाया? क्या ये तेरा प्लान था? मेरा प्लान? साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी? करना बोल, खत्म नहीं होता क्या? दांत में कीड़े क्या? ये क्या पागलपन, कभी तेल गिराना, कभी केले के छिलके फेंकना। मैं इनकी तरह उल्लू नहीं हूँ कि कहीं भी फिसल जाऊंगा। इसकी तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। शादी की सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? उम्मीद से बेहतर चल रही है। बाबू जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था, वो वाकई में लंदन जाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अगर उन्हें कोई समझा सकता है, रोक सकता है, तो वो आप हैं बाबू जी। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। सब ठीक चल रहा है? नमस्ते। एक मिनट, ये माइंड गेम का ओनर यहाँ क्या कर रहा है? पर दूल्हे के बाप को तो यही होना चाहिए। तू भी ना। हाय। अब इसी की कमी थी। मैगी उस लड़के से प्यार करती है। ये कितना बदतमीज लड़का है, तुम जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना, उसी को तो समझाना है। ये बात नहीं है। रिलैक्स, चार दिन की बात है। चार दिन बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। कर रही हो? जीजू, ये है मेरा बॉयफ्रेंड विकी। हम 2 महीने पहले मिले और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक जैसे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझसे कम। ये प्रिया है, आज ही इंडिया से आई है। ओ। हाय प्रिया। Congratulations. मैं मैगी से मिलकर आई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों made for each other हो। Thank you so much मुझे समझने के लिए। मैं तो एकदम टेंशन में आ गया था। अगर तुम रोकर हमारे बीच क्या हुआ अंकल को बता देती तो मेरा तो पूरा मामला बिगड़ जाता। देखो, अगर रोने से समस्याएं हल होती तो जिंदगी कितनी आसान होती, पर ऐसा होता नहीं है, राइट? बस इसीलिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो, तुम्हें यहाँ देखकर मैंने तो ये शर्त जीतने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। तुमने शर्त लगाई है? देखा, तुम्हें भी टेंशन हो गया ना? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी। अगर तुम उनसे दूर भागते रहे तो उनके करीब कैसे आओगे और उनका दिल कैसे जीतोगे? तो क्या करूं, इस घर के सारे लोग नमूने हैं, एक नंबर के। सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और तुम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। जस्ट बी योरसेल्फ, शो योर चार्म, तुम सबका दिल जीत लोगे। थैंक यू सो मच गुलाबो। आई एम रियली सॉरी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल उसको, बोल। नहीं नहीं, बोल उसको, करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या है, मैंने इन सब की खुशी के लिए इतना सारा इंतजाम किया है, ये रोशनी, ये सब
लेकिन ये तो सिर्फ लैपटॉप और सेल फोन पर बिजी है। इन सबको काम का प्रेशर है बाबूजी। क्या खाक काम करते हैं? इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुझे खुश होना चाहिए या लोगों के बीच जो दूरियां आ गई हैं उसे देखकर दुखी होना चाहिए? अफसोस की बात है। गिर गए ढाकी डिगी लड़कियों के सामने पोपट हो गया। गलती से हो गया अंकल, इसने जानबूझकर किया है। प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है। उफ। प्रिया क्या दिन था आज का। प्रिया तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जानती हो आज क्या हुआ? मैगी के डैड की शक्ल देखने जैसी थी। अब देखना, मुझे ये शर्ट जीते से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम थोड़ा पहले आई होती ना तो अब तक तो मैं पर एक बात तो पक्की है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारूंगा। मुझसे वादा करो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। कम ऑन प्रिया, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वादा करो। कम ऑन विकी, सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। सॉरी प्रिया, कम ऑन। मैं अभी आया प्रिया, कहीं जाना मत। गुड, वेरी गुड। मुझे यही तो चाहिए था कि तुम इनके करीब जा सको, इनके बीच रह सको और वो तुम्हारा असली चेहरा देखें। तुम जीत नहीं पाओगे। मैं जानता हूं आपका दिल चाहता है कि मैं ये शर्त हार जाऊं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जीतना मेरी फितरत है और ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया लेकर जाएगा। ऑल द बेस्ट। यू टू। मैं जीत गया। नहीं जीते हो बल्कि टॉस हार गए हो। जब भी मैं टॉस हारता हूँ मैच जीत जाता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं समझोगे, ये गेम प्लान है। देखो वो हम सभी का दुश्मन है, इस मैच के बाद उसे यहाँ रहना नहीं चाहिए, इसलिए डासी प्लान बनाया है। हमारे सारे बॉल्स स्टंप्स पर नहीं उसके सिर पर लगने चाहिए। और कैप्टन होने के नाते ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सॉरी, अगर हम हारेंगे तो इसकी वजह से। छोड़ रे, तू बड़ा तेंदुलकर है ना। ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है बल्कि मिलकर दुश्मन को हराने का है। इट्स नॉट अ गेम, दिस इज अ वॉर। विकी, मेरे मामा ने मुझसे 50,000 की बेट लगाई है, ये मैच हमें किसी भी हालत में जीतना है। अगर उन्होंने चैलेंज किया है तो ये चैलेंज मैं जरूर जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे हराने चला था, आउट हो गया। अरे अंजी, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल। गुरुजी 19 चौके बचा चुके हो, बड़े हिम्मत वाले हो। 19 नहीं है, 20 चौके, ठीक से गिन ले। किसको आया देखो। हर बार यही बीच में क्यों आते हैं? हर बार मुझे ही निशाना क्यों बनाता है? कम ऑन लक्ष्मण, कैच कर। आप भी कैच करो। लक्ष्मण कैच करो। राम भाई आउट करो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कैच गिरा दिया। तुम दोनों मिलकर मेरी बचवा दोगे। आउट। 140 रन जीतने के लिए हवा। वक्त आ गया है, आप दोनों को ही कमाल दिखाना है। इसे बैट भी तो पकड़ने नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना। इसको जाके बोल पहले गिल्ली डंडा खेले। ए भाई तू चले जाके। कम ऑन, एक रन।
क्या यू चल भाग यस दादा अब आपको ही खेलना पड़ेगा उसके साथ कौन खेलेगा मामा कम से कम आप तो जाइए मैं जाऊं इन दोनों में से किसी एक उंगली को पकड़ो पर क्यों पकड़ो ना अगर इस उंगली को पकड़ा होता तो मैं पक्का स्टंप उड़ाता बैड लक तो फिर आप क्या उड़ाने वाले हो अरे और कितनी दूर जाओगे पता नहीं कौन सा स्टंप उड़ाएगा पीछे वाले या आगे वाला आइडिया वो उड़ाए उससे पहले मैं ही उड़ा देता हूँ अंपायर आउट या आउट हो गया चार बॉल तीन रन जीतने के लिए और बोल लड़बो जीत बोरे मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता लास्ट बैट्समैन तुम ही हो खेलना ही पड़ेगा ठीक है जाता हूँ और कोई चारा नहीं है दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते क्या खाक खेलेंगे नहीं 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 रुक जा ओके ओके बॉल उसके हाथ में था ना सॉरी यार जरा सुनना लास्ट बॉल जीतने के लिए तीन रन चाहिए यस यस भागो कम ऑन बॉल और एक Maggie! Bago! Dez, Bago! Oh, no! Come on, go! Jaldi, Bago! Come on, Bago! समझ में नहीं आता किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं दादाजी
हमारा अहंकार हमें माफी मांगने से रोकता है और रिश्तों को तोड़ देता है। अगर अहंकार को भूलकर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि हमारे बीच रिश्ते कितनी आसानी से जुड़ सकते हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। अगर तुम कोई फंक्शन किसी की खुशी और गम बांटने के लिए अटेंड करते हो तो सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे। यहां इतने लोग आए हैं लेकिन सब सिर्फ दिखावे के लिए। सब ढोंग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसीलिए मैंने सारे रिश्तेदारों को यहां पर बुलाया। कुछ लोगों ने बहाने बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने एक न सुनी। हालांकि ये तैयारियां मैंने की पर मेरे इस प्लान को अंजाम तुमने दिया बेटा। मैंने क्या किया दादाजी? यही तो तुम्हारी खासियत है, सब कुछ करके भी कहते हो कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कोई ना पसंद नहीं कर सकता, तुम बहुत स्पेशल हो। एक मिनट साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। तुमने देखा, राम भैया ने कमाल कर दिया, उन्हीं की वजह से जीते हम ये मैच। सर सिर्फ एक मिनट दीजिए। अरे मेरा पीछा छोड़ो। वो आ रहे। ए, तू बैठो इधर ला। मेरे पीछे ही पड़ा रहे। सर हट जाइए, हट जाइए सर, हट जाइए। ओ नो यार, मर गए। उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है लेकिन थोड़े रेस्ट की जरूरत है। शुक्रिया। You're welcome. मैंने पहले ही कहा था पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखा नतीजा, संगीत फंक्शन में उसने मुझे गिरा दिया, क्रिकेट मैच में मुझे बॉल से मारा, अब ये वो मैगी के लिए सही लड़का नहीं है, भगाओ उसे यहाँ से। अगर वो एक सेकंड भी यहाँ रहा ना तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, पता नहीं क्या। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे जान से मारने के लिए? अगर भगवान मुझे एक खून की माफी दे दे तो मैं गन लेकर अभी के अभी तुझे शूट कर दूंगा। ये तो गलत बात है, आप उसे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए अंकल। शट अप। पर आप उसकी बात सुनते क्यों? आई सेड शट अप। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे सह लूंगा। बहुत हुआ, चलो अब चलो। अब एक मिनट मैगी। पर किस लिए? तुम चलो, मैं अभी आया। तुम्हारी मर्जी। I'm really sorry, sir. आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ आपको लगता है कि उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, लेकिन ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। आपने कहा अगर भगवान आपको मौका दे तो आप मुझे मार देंगे, अगर वही भगवान मुझे एक मौका दे तो मैं उनसे आपको ठीक करने की दुआ करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। क्या उसने तुम्हें माफ किया? मजा आया होगा ना उसके पैर पड़ के। मैगी, वो कुत्तों की तरह मुझ पर भौंक रहा था और उसे मारने के बजाय तुम उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैगी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो वो लोग कितने खुश हैं। खुद की खुशी के लिए दूसरों को दुखी करना ठीक है क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक कर दूंगा। तुम बदल गए हो, यू चेंज्ड। तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है तो भी तुमने संगीत में स्वीट्स खाए। तुम्हें हारना पसंद नहीं है फिर भी तुम जानबूझकर मैच हार गए। बिना गलती के सॉरी नहीं बोलते हो लेकिन आज वो भी कह दिया। ये तुम नहीं हो विकी,
It's not you. मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी सोच, विचार और पसंद सब कुछ एक जैसा है, तो जब मैं इतने गुस्से में हूँ, तो तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्योंकि तुम इन लोगों के बीच बदल गए हो। अरे भैया, सब काम हो गया? आ जाओ, इतनी सारी पैकिंग मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहा है। कम हेल्प मी। अरे तुमसे कहना भूल ही गई, सुनो, हनीमून के लिए इंडिया ही आना, भावना को ताजमहल बहुत पसंद है, मैं उसे ले जाऊंगी वहाँ। बहुत हुआ, स्टॉप इट। तुमने विक्की और मैगी के प्यार को कामयाब बनाया, उनके झगड़े को सुलझाया, और अचानक जाने का प्लान, ये सब क्या है? प्यार में किसी को खोने का एहसास कैसा होता है मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि विक्की अपने प्यार को खो दे। इस बात की खुशी है कि वो अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि उससे दूर जा रही हूँ। अगर उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा, इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत रोकना। विक्की के शर्त जीतने तक वो चाहता है तुम यहीं रहो, उसे बिना बताए तुम चली जाओगी? जानते हो भैया, उसने सब कुछ गिरा दिया। हाँ। अब तक कहाँ थी तुम? प्रिया इंडिया जा रही है ना, उसकी पैकिंग करा रही थी। ओ, अभी निकली अच्छा। है वो। प्रिया, प्रिया रुको, तुमने यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया? मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है। थोड़े दिन और रुक जाओ। मुझे जाना होगा। सुनो प्रिया, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी ना? याद है जब मेरी बर्थडे पर तुम मेरे साथ थे, तब मैं कितनी खुश हो गई थी। उसी तरह तुम्हारी बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एक डर था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहोगे और मैं इंडिया में, इसलिए तुम्हारे बताए हुए तरीके से लैपटॉप से MMS भेजूंगी। हो गई हूँ ना स्मार्ट? चलो अब केक काटते हैं। छूटा हो गया, कोई बात नहीं, तब तक तो हमारी मंगनी भी हो चुकी होगी। You'll be my half husband. तुम नहीं जानते कि इस रिश्ते से मुझे कितनी खुशी होगी। जब मैंने पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें खुश कर सकती है, तो तुम्हारे बारे में एक खास चीज पता चली। इस पूरी दुनिया में जानती हो तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अपने आप से। फिर मुझे एक आइडिया आया, तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया, तो तुम जितना खुद के साथ खुश रहते हो उतना ही मेरे साथ रहोगे। इसलिए मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं वादा करती हूँ, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है, जो तुम्हें नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद। जब ये बात मैंने भैया से कही तो कहने लगे मैं पागल हूँ, स्कूल और डांस छोड़कर उन्हें लगा मुझे खुशी कैसे मिल सकती है। उन्हें ये नहीं पता कि वो सब मेरी पुरानी दुनिया थी, अब तुम हो मेरी नई दुनिया। सच में विक्की, आई रियली लव यू, लव यू अ लॉट। अगर पूछोगे कितना तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, अगर पूछोगे कैसे तो दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे दिल में धड़कन है मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। लव यू विक्की, लव यू फॉर एवर।
हैप्पी बर्थडे विकी। थैंक यू। आओ विकी आओ, मुझे लगा था तुम मेहमान हो लेकिन तुम तो हमारे दामाद निकले। अभी अभी मुझे तुम्हारी शर्त के बारे में पता चला, अब सिर्फ दो नहीं यहाँ सब तुम्हारे फैसले को सही मानते हैं। They are right, Vicky. तुमने ये साबित कर दिया कि विश्वास तजुर्बे से बड़ा होता है। हो सकता है मैं ये शर्त हार गया हूं लेकिन ये एक बाप की जीत है। अब मुझे अपनी बेटी की भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। सॉरी यंग मैन, मैंने तुम्हें दुख पहुंचा है। नहीं सर, असल में दुख तो मैंने आपको पहुंचा है। जिंदगी में मेरे लिए जीत ही सब कुछ थी, इसलिए अपने करियर में भी जीत हासिल करता गया। खुद को सही साबित करने के लिए आपका चैलेंज भी स्वीकार किया, लेकिन इस बार जीतने के बाद भी मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये जीत मेरी है ही नहीं। मेरे अंदर एक बदलाव सा होने लगा था और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैगी ने मुझे बताया। मुझे तब भी समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत। मुझे याद है आप लोगों के चेहरे की खुशी जब इन दोनों की दूरियां मिटी थी। फिर मुझे अपने डैड की एक बात याद आई, सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी पर अगर सबके बारे में सोचोगे तो खुशी का खजाना मिलेगा। अपनी इस नासमझी में मैं बरसों तक अपने पिता की बेइज्जती करता रहा। वो मेरी नादानी को माफ करते चले गए लेकिन कभी दूर नहीं हुए। ऐसे होते हैं पिता। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है सर, ये बात मुझे नहीं पता थी और इसीलिए मैं प्रिया को दुख देता रहा। प्रिया मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि वो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार है। मेरे लिए वो हमेशा हारती रही और मैं उसे अपनी जीत समझता रहा। ऐसी लड़की को मैंने छोड़ दिया यह कहकर कि वो मेरे लायक नहीं, हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन आज जब प्रिया मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया है। मुझे लगता था कि प्यार में खुद की खुशी ही सब कुछ है, पर प्यार तो खुद को दूसरों के लिए बदलने का नाम है। मुझे लगता था समझौता कमजोरी की निशानी है, लेकिन प्यार में अगर समझौता नहीं किया तो आपने क्या किया? मुझे लगता था कि शादी दो परफेक्ट लोगों के बीच होनी चाहिए, पर अब जाके समझ में आया कि शादी ही दो लोगों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है। आपने कहा था दादाजी कि आप अपने परिवार को सुख और दुख में साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, पर मुझे लगता है कि वो इस उम्मीद को खो बैठेंगे, वो भी मेरे कारण। दादाजी मैंने अपनी जिंदगी में अपनी खुशी की आग है किसी और की खुशी नहीं सोची। जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था, यकीन मानिए मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे आसपास कोई खुश नहीं था। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे असली खुशी का एहसास हो गया है जो आप सबकी खुशी के साथ जुड़े है। शादी का मतलब है जिंदगी की एक नई शुरुआत, और सही मानों में शादी तभी कामयाब होती है जब दो दिल एक हो जाएं। पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए कुछ पलों का गम सहना ही पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीते हैं विकी। अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझमें कोई बदलाव नहीं आता। दो लोगों की पसंद मिलने को मैं प्यार समझती थी, पर प्यार में जरूरी होता है दो दिलों का मिलना। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं विकी, पर फिर भी मैं खुश हूं। सीरियसली मैं बहुत खुश हूं। जानते हो क्या, आज तक इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारी वजह से अब ये सब मेरी दुनिया है।
लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं, और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। थैंक्स अ लॉट विकी, शुक्रिया डैडी। मैंने आपको कितनी बार दुख पहुंचाया है ना, आई एम सॉरी। इधर आ। ए, मैं दुखी नहीं बल्कि बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी। थैंक यू विकी, ये सब तुम्हारा कमाल है। तुम हमें दुखी करके नहीं जा रहे हो, हम सबको तुमने मिलाया, हमारे रिश्ते को मजबूत किया। सच कहूं तो तुमने प्यार का असली मतलब समझाया है। विकी, जो प्यार हमें एक दूसरे के करीब लाया है, अब हमें उसी प्यार के साथ रहना है। उसको सबक सिखाते हैं। मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती। बेटा तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है। आप सब इसमें शामिल थे? और नहीं तो क्या। मजाक करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी आता है। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करो, कोई समझौता मत करो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन रिश्तों के मामले में दूसरों से हारने में भी जीत है, क्योंकि उसी में उनका प्यार छुपा होता है। और इस कहानी में मैंने यही सबक सीखा है। मैं हूँ विकी और यही है मेरी कहानी।